का भी जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, सरकार उनकी है तो उनके अभी तक होर्डिंग्स कई जगह लगे हैं। कुछ जगह तो डिप्टी कमिश्नर ने ये कर दिया कि भगवान रामचंद्र जी का होर्डिंग लगा था वो फाड़ दिए, राम मंदिर के होर्डिंग लगे थे वो फाड़ दिए, लेकिन नेताओं के फोटो वाले जो होर्डिंग जो लगे हैं, जो आचार संहिता को जो प्रभावित करते हैं, वायलेशन है वो आदर्श आचार संहिता का, उसके बावजूद भी वो कायम है। उसके संदर्भ में भी हमने आज अपनी बात कही कि उसको भी आप, उसके बारे में भी आप संज्ञान लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इन सारी बातों को लेकर के प्राइवेट सारे के सारे, ना हमारा पार्टी का किसी आदमी ने लगाया है, ना पार्टी का नाम है, ना पार्टी के नेता का, किसी अपने किसी व्यक्ति ने अपनी आस्था के और श्रद्धा के हिसाब से वो लगाए हैं, और वो आचार संहिता का उल्लंघन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से किया जा रहा है। इस बारे में हमने आज जो है यहाँ शिमला में चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन दिया है। सर, मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओपीएस रोकने की कोशिश हुई, हिमाचल में ओपीएस के लिए सरकार गिराने की कोशिश हुई, और अब माता बहनों को आर्थिक मदद देखिए ऐसा है रोकने की कोशिश हो रही है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अब झूठ बोलना छोड़ दें, उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ओपीएस अगर आपने लागू कर दी है, आपकी सरकार है, रोकने के लिए कौन कर रहा कोशिश उसमें? हमने एक शब्द नहीं बोला आज तक, ना हमारी पार्टी ने बोला। दूसरी बात, और ये महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने के लिए किसने रोक रखा था? ये ठीक चुनाव के दिनों में ही, चुनाव से पहले, और उनको मालूम है कि पहली किस्त भी हम जारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं जारी कर पाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल से पहले कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, कितना मजाक बना रहे हैं हमारी माताओं बहनों का, वो मातृशक्ति का है, गुमराह करके, पहले झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में यही किया, अब लोकसभा के चुनाव में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी बात सिर्फ इतनी है। थैंक यू।